नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे सुशील कुमार मोदी की, जो बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और लंबे अरसे से बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। मुझे उम्मीद है कि दो पीढ़ियां बीत गई होंगी जिन्होंने बिहार की राजनीति में लगातार सुशील कुमार मोदी का दखल देखा होगा। कभी नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा के तौर पर, तो कभी बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर। सुशील कुमार मोदी बिहार भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में से हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व किसी का रहा हो, सुशील कुमार मोदी की सबके सामने चलती है। या यूं कहे कि सुशील कुमार मोदी बिहार भाजपा के सबसे दमदार और कद्दावर नेता हैं, सबसे ताकतवर नेता हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह भी साफ है। पिछले 15 वर्षों से, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दे, जब गठबंधन नीतीश कुमार का और बीजेपी का टूट गया था, उन कुछ महीनों को छोड़ दें, तो लगातार सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। ऐसा नहीं है कि सुशील कुमार मोदी केंद्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहते थे या इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया था, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं बन पाई। हम बात करते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव की। उस दौरान बिहार में एक तरीके से यूपीए की हवा थी। राजद, कांग्रेस और लोजपा ने अपना गठबंधन बनाया था, जिसने बुरी तरह से एनडीए को धूल चटा दी थी। अधिकांश सीटों पर राजद, कांग्रेस और लोजपा के इस यूपीए गठबंधन का कब्जा हो गया था। भाजपा और जदयू के बड़े बड़े दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ तक कि स्वयं नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, जबकि वो देश के तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। जबकि सुशील कुमार मोदी उसी 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और लंबे अंतर से चुनाव जीत भी जाते हैं, जबकि उनके सामने सीपीएम के उम्मीदवार सुबोध राय थे और सुबोध राय उस दौरान भागलपुर के निवर्तमान सांसद थे। सुशील कुमार मोदी सांसद बनने के बाद दिल्ली की राजनीति में तो चले गए, लोकसभा की सदस्यता ग्रहण भी की और लोकसभा में कई मुद्दों पर उन्होंने बात भी कही। तब उस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर दौर आया 2005 का। 2005 फरवरी में चुनाव हुए और त्रिशंकु स्थिति बन गई। सरकार किसी की नहीं बनी। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन बाद में पुनः चुनाव कराने की नौबत आ गई। फिर दौर आया 2005 नवंबर का। उस दौरान जब भाजपा और जदयू के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो शानदार और अभूतपूर्व जीत हासिल हुआ। पहले से किए गए वायदे के अनुसार और जनता के बीच में जो कहा गया था, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुशील कुमार मोदी को नामित कर लिया जाता है। यानी कि केंद्र की राजनीति से एक बार फिर सुशील कुमार मोदी की बिहार की राजनीति में एंट्री 2005 नवंबर में होती है। बिहार भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुशील कुमार मोदी को अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है। उन्होंने लोकसभा से अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। 2006 में भागलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है, जब भारतीय जनता पार्टी वहां से सैयद शहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाती है और उस उपचुनाव में शहनवाज हुसैन भागलपुर से जीतकर एमपी भी बनते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी शहनवाज हुसैन इसी भागलपुर सीट से जीतते हैं, लेकिन उसके बाद से सुशील कुमार मोदी फिर लगातार बिहार की राजनीति में ही सक्रिय हो जाते हैं। आपने हमने देखा कि 2005 में सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुए, 2010 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला, उस वक्त भी सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुए। उसके बाद जिस प्रकार से बिहार में गठबंधन टूटा जेडीयू और आरजेडी का, और जेडीयू एक बार फिर से आरजेडी के करीब गई, तो जैसे ही नीतीश कुमार सीएम हुए, सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम हो गए। इस वजह से बिहार में सुशील कुमार मोदी को भाजपा का सबसे कद्दावर नेता कहा जाए तो इसमें